आज 20 तारीख है, 20 दिसंबर 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कनेक्शन में आज की तारीख में हर जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर जने का अपना एक व्यू पॉइंट है जो एक डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, लेकिन वो अब वायलेंट टर्न ले चुका है, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है पूरी देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि बड़े सिंपल टर्म्स में आप सब लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन करें कि प्रॉब्लम और कंट्रोवर्सी किस बात की है। मैं अपने पूरे इस वीडियो में दो किताबों के ऊपर मेनली फोकस करूँगा। एक है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंदर जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं 2019 की, वो पूरे का पूरा इंक्लूडेड है। पूरा वीडियो में मैं सारा का सारा फैक्ट जो बात कर रहा हूँ वो इस एक्ट के ऊपर ही आधारित है। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम सोर्स हमारा डॉक्यूमेंट्स का है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान, जिसके अंतर्गत हम सारे के सारे देशवासी हमारे को जिसको फॉलो करना होता है, और सारे रूल्स आर बीइंग मेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ। मैंने और सीनियर एडवोकेट्स को भी कंसल्ट करा है, इंक्लूडिंग मिस्टर केशव दयाल, हु इज़ अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 50 ईयर्स प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसके ऊपर जो हमारी लीगल रिसर्च जो हमने करी है वो बहुत सही है, और इसके अंदर कोई भी प्राइवेट व्यूज़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या हमारे अपने नहीं आने दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को सही तरह से समझें और अपने आप डिसीजन लें क्या सही लग रहा है आपको और क्या गलत लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, गलत है। इंडिया में बहुत टाइम से इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उनका एक कंट्री का रिलीजन है जिसको बोलते हैं स्टेट रिलीजन, जो कि है इस्लाम। इंडिया में वी डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन, वी आर अ सेकुलर कंट्री, हमारा देश का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। लास्ट इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, डिफरेंट वी वुड से रिलीजन के हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया में आते रहे हैं। जो आ रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर रिलीजन के लोग इंडिया में आके शरण चाहते थे। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और हर देश में, इंडिया में नहीं बट इंडिया के बाहर, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हर कंट्री में इलीगल इमिग्रेशन बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि देश के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है जब इतने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं एक देश में। अभी तक जो रूल था वो ये था कि आप इंडिया के अंदर जो भी आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, वो उनको सिटीजनशिप प्रदान की जा सकती है। जो नया लॉ पास हुआ है वो ये है कि जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो आए हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं और पारसी कम्युनिटी से हैं, और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दिसंबर 31, 2014 के पहले आए हैं, उन सब को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जानी चाहिए, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 14 और 15 पे भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये 14 सेक्शन जो है वो ये कहता है कि हमारे को किसी भी इंडिविजुअल को ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, रेस, कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो असल का मुद्दा बस यही है कि 2014 से जो पहले लोग आए हैं उसके अंदर मुस्लिम समाज का नाम इंक्लूडेड नहीं है। इस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वेडनेसडे 18 दिसंबर को ये किया गया है कि इस मैटर पे सुनवाई हो रही है, स्टे नहीं दिया गया है, और 22 जनवरी 2020 में इसका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और वो लोग डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा
कि ये बिल पास होगा नहीं होगा, ये लॉ वैलिड है कि वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स कर सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट में जाके पास होता है और प्रेसिडेंट साइन करता है। मुद्दा ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हम नई लॉ पास कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनहेरेंटली फंडामेंटल्स को ब्रीच ना करे। तो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी यूज्ड, वहीं पे हमारा इशू और चैलेंजेस हैं। इलीगल इमिग्रेशन डेफिनेटली नीड्स टू बी स्टॉप्ड। वी हैव टू इंश्योर कि इसके अंदर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम बस यही है कि उसके अंदर जो सिलेक्शन किया गया है उसमें सारे रिलीजियस के नाम दिए लिए गए हैं, बट उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिनको 2014 दिसंबर 31 से पहले ऑटोमेटिकली उनको, अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे तो उनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हैं, और हम ट्राई करेंगे इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए अपने नए अगले वीडियोस में। मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए।